हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। पहले भी मैंने कार्डिनलिटी पर एक टॉपिक लिया है, अब ये डिटेल में है। कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसके सिंबल क्या होते हैं। अब कार्डिनलिटी इनफाइनाइट सेट कौन से हैं? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है बताया मैंने, क्या है? एलएफ नॉर क्या बोलते हैं, एलएफ नॉर। और कौन सा इनफाइनाइट सेट? रियल नंबर की कार्डिनलिटी है कॉन्टिनम, स्मॉल सी। कॉन्टिनम कुछ रिजल्ट देखेंगे अब। अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अर्थमेटिक कार्डिनल नंबर्स एलएफ नॉट क्या है? denotes the cardinality of natural number and continuum small c denotes the cardinality of real number. First result, अगर हम cardinality of natural number की sum करेंगे तो सम भी एलएफ नॉट ही आएगी। देखो, एलएफ नॉट प्लस एलएफ नॉट अप टू प्लस एलएफ नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा एलएफ नॉट ही आएगा। ये कितने हैं? एन टाइम्स। जितनी भी बार हम ऐड करेंगे एलएफ नॉट, उसका आंसर एलएफ नॉट ही आएगा। एक कार्डिनलिटी है, ध्यान से देखो। अगर हम फाइनाइट, कौन सा भी फाइनाइट नंबर हो उसमें एलएफ नॉट ऐड करेंगे तो फिर आंसर एलएफ नॉट ही आएगा। और एन कैसा होगा? नेचुरल नंबर होगा। सी, अगर एलएफ नॉट प्लस कंटिनम करेंगे तो कंटिनम आएगा। ये रिजल्ट है, याद रखो। अब कंटिनम प्लस कंटिनम प्लस अप टू एन टाइम्स ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा कंटिनम। नेक्स्ट, अगर फाइनाइट कौन सा भी एन लेते हो उसको मल्टीपल एलएफ नॉट करते हैं तो आंसर एलएफ नॉट ही आएगा। एन कैसा रहेगा?
नेचुरल नंबर रहेगा। अगर हम कंटिन्यूम इनटू अप टू कंटिन्यूम एन टाइम्स मल्टीपल करते हैं फिर भी आंसर का क्या आएगा, कंटिन्यूम आएगा। नेक्स्ट टू रेस टू एलेप नॉट क्या रहेगा, कंटिन्यूम रहेगा। और एलेफ नॉट रेस टू एलेफ नॉट इज इक्वल टू क्या रहता है, टू रेस टू एलेफ नॉट। टू रेस टू एलेफ नॉट अभी देखा क्या है, सी कंटिन्यूम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलेफ नॉट रेस टू एलेफ नॉट इज इक्वल टू कंटिन्यूम। नेक्स्ट एलेफ नॉट रेस टू कंटिन्यूम इज इक्वल टू टू रेस टू कंटिन्यूम। नेक्स्ट के एलेफ नॉट इज ऑलवेज लेस देन कंटिन्यूम बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हमेशा लेस देन रहेगी रियल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी लेस रहती है रियल नंबर से। एंड आई जे के क्या है, यन इज ऑलवेज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ एलेफ नॉट। यन इज लेस देन एलेफ नॉट फॉर एनी हमेशा रहेगी। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स आर एनी टू सेट्स विथ कार्डिनलिटी M and N respectively and function define hoga capital F is equal to F such that F varies from A to B then cardinality of f। हमने पहले भी देखा है नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेस टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। अब कार्डिनलिटी ऑफ इधर डोमेन क्या है, ए और कोडोमेन बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ B raised to cardinality of A is equal to क्या आएगा, N raised to M आएगा। तो cardinality of function is equal to N raised to M। फिर से repeat हुआ है, ध्यान में रखो। Next F1 function F such that F varies from natural number to natural number. Then
then cardinality of F1 is equal to of cardinality of natural number raised to cardinality of natural number. Cardinality of natural number क्या है? LF0 raised to LF0. और क्या बताया? 2 raised to continuum. Sorry, 2 raised to LF0. और 2 raised to LF0 क्या है? Continuum. Cardinality of F1 क्या आई? Continuum. That gives F1 is uncountable. Next result क्या है? F2 कौन सा function है? F such that F varies from close interval 0, 1 to close interval 0, 1. Then cardinality of F2 equal to cardinality of close interval 0, 1 raised to cardinality of close interval 0, 1. अब पहले भी रिजल्ट और नोट दी मैंने, क्या एवरी नॉन सिंगल टन इंटरवल आर अनकाउंटेबल. बताएं अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल की कार्डिनलिटी क्या है? सी रहती है. तो इसकी भी सी और इसकी भी सी, तो कंटिन्यूम रेस टू कंटिन्यूम. तो कंटिन्यूम रेस टू कंटिन्यूम क्या रहता है? 2 raise to continuum. That gives F2. 2 raise to continuum is greater, always greater than C. C से भी greater है. तो F2 is uncountable. और एक result. The set of all equivalence classes of an equivalence relation on a set is called question set. Question set definition is question set की क्या? The set of all equivalence classes. आपको पता है equivalence classes क्या है? ये FIBAC में आपने पढ़ी है equivalence classes of an equivalence relation. जो equivalence relation रहते है उसके क्या बताए? The set of all equivalence classes of an equivalence relation. जो equivalence relation होते है उसके equivalence classes है उन सब का जो set है उस set को question set बोलते है. और question set के properties, question set of countable set is always countable. कौन से भी countable set का question set है वो भी countable रहता है. दूसरा, question set of uncountable set may be countable or uncountable.
और अनकाउंटेबल रहता है। अब हम देखेंगे काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। पहले इसका मीनिंग समझ लो। जो काउंटेबल सेट्स है उसका और उसकी काउंटेबल यूनियन लेंगे। जो काउंटेबल सेट्स है उनकी काउंटेबल यूनियन लेंगे और जो यूनियन है वो काउंटेबल होनी चाहिए, ये शो करना है हमको। आंसर देखते हैं। लेट ए एक सेट लिया ए वन ए टू अप टू ए एन, दैट इज ए एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि एन की वैल्यू क्या है वन टू थ्री वन टू थ्री अप टू एन, विच इज क्या है विच इज इंडेक्स फैमिली ऑफ काउंटेबल काउंटेबल सेट्स ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ये क्या है काउंटेबल सेट्स है और इन सब की एक फैमिली तैयार की एक सेट तैयार किया है ए एन, वो क्या है इंडेक्स फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट्स का एक सेट है उसको इंडेक्स फैमिली कहते हैं। क्लेम हमें प्रूफ क्या करना है उस इंडेक्स फैमिली की यूनियन करनी है ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री अप टू यूनियन ए एन, ये सबकी यूनियन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। काउंटेबल दिखाना है यानी कि ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री अप टू यूनियन ए एन, ये काउंटेबल दिखानी है। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए फंक्शन यप वेयर इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू यूनियन ऑफ ए एन, देन लेट अब हम ए वन ए टू क्या है वो डिफाइन करेंगे। ए वन क्या है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री टू सो वन इन्फाइट हो इन्फाइट एलिमेंट है उसमें। ए टू क्या है ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री सो वन, ए थ्री में क्या आएगी ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री अप टू सो वन, ऐसे कितने फाइनाइट है ए एन क्या आएंगे ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री सो वन। अब हम क्या करेंगे सॉरी दिख नहीं रहा था ए एन क्या है ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री। अब हम क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे डायग्राम में अरेंज करेंगे डायग्रामेटिकली और वो काउंट होते हैं कि नहीं देखेंगे। देखो अब मैं अरेंज करता हूँ ए वन वन इधर लिया ए वन टू ए टू वन यानी कि ए वन वन ए वन टू
इधर लेता हूँ, इधर लेता हूँ, A13, A14 ऐसा रहेगा अप टू AN। इधर क्या आएगा, A21, A22, A23, A24, सॉरी अप टू AN। इधर लेते हैं, इसके सामने A31, A32, A33, A34 ऐसे लेंगे। इधर भी लेते हैं A41, A42 ऐसा अप टू चलता ही रहेगा A43। सो ऑन, इधर भी सो ऑन, इधर भी सो ऑन रहेगा। अब हम काउंट करते हैं, देखो काउंट होते हैं कि नहीं। हम अरेंज करेंगे A11, इसको हम 1 देंगे, ऐसे काउंट करेंगे। कैसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन चेन से ये 2 है, ये 3, ये 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, सॉरी ये नहीं है, 7th नंबर, 8, 9, 10 ऐसे काउंट होंगे। इधर ऐसा होगा, इधर आए से, इधर से आए, ये देखो ऐसे काउंट हो रहे, यानी कि नेचुरल नंबर से काउंट हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंट हो रहे, इसलिए क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल है, यानी कि क्या यूनियन है, तो ये काउंटेबल हो गई। हमारा रिजल्ट क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ, काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। हमने काउंटेबल सेट्स लिए थे, ये देखो A1 क्या है, काउंटेबल है, क्यों, ये काउंट होते हैं, A11, A12, A13 काउंट होते हैं, इसलिए A1 काउंटेबल है, A2 काउंटेबल है, A3 काउंटेबल है, AN भी काउंटेबल है। तो इन सब का यूनियन ये डायग्राम है, ये देखो ये डायग्राम है, सब का यूनियन A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक, और उन एलिमेंट की यूनियन है ये, और ये काउंट होती है कि नहीं हमें देखना था, तो काउंट हो रही है, 1, 2, 3 यूनियन है A1, A2, A3 की, अब ये काउंट हो रही है, इसलिए यूनियन भी क्या है, काउंटेबल है। तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर क्यू इज काउंटेबल, रैशनल नंबर भी काउंटेबल रहते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, पहले हम रैशनल नंबर डिफाइन करेंगे क्यों। रैशनल नंबर उसके अलग अलग पार्ट करेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर यूनियन, नेगेटिव रैशनल नंबर और यूनियन जीरो, सिंगलटन जीरो, ये इनकी यूनियन करके पूरा रैशनल नंबर तैयार होता है। अब हम रैशनल नंबर डिफाइन करेंगे, क्यू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सच दैट पी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो तो नहीं आता, इसलिए क्यू नॉन इक्वल टू जीरो रहेगा, और जी सी डी सच दैट
GCD of P and Q equal to 1. ये दोनों रिलेटिव प्राइम रहेंगे P एंड Q. इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रहेगा? 1 रहेगा. अच्छे से देखो मैंने कैसा डिफाइन किया है. P क्या रहेगा? नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, 0 भी आएगा, यानी कि -1 -2 -3 रहेगा, 1 2 3 4 भी रहेगा, 0 भी रह सकता है, Q में 0 आता है, और नेचुरल नंबर इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव रहेगा और ये नॉन जीरो रहेगा. कौन सा भी नंबर लो रैशनल आ जाएगा. ये डिफाइन होगा. अब हमारा क्लेम क्या है, प्रूफ क्या करना है हमको. क्लेम क्या है? क्यू इज काउंटेबल, ये प्रूफ करना है. दैट इज क्या प्रूफ करना है? क्यू प्लस क्यू माइनस सिंगल टन जीरो आर ऑल काउंटेबल, ये प्रूफ करना पड़ेगा. ये प्रूफ करना पड़ेगा. तो फंक्शन डिफाइन करते हैं. डिफाइन ए फंक्शन एफ वेरीज फ्रॉम क्यू प्लस टू एन क्रॉस एन. फंक्शन डिफाइन करेंगे. डिफाइन ए फंक्शन एफ वेरीज फ्रॉम क्यू प्लस टू एन क्रॉस एन बाय. कैसा फंक्शन होगा? एफ ऑफ पी कॉमा क्यू, डोमेन की लिमिट रहते हैं और जो आंसर आता है को डोमेन का रहता है, यानी कि ऑर्डर पेयर पी कॉमा क्यू, ये ऑर्डर पेयर रहेगा. ये फंक्शन डिफाइन किया. अब हमें काउंटेबल दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, अभी टेक 1 1 दिखाते हैं. टेक एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू एफ ऑफ आर बाय यस. फंक्शन डिफाइन किया है. फर्स्ट बोलते हैं क्या डेफिनेशन है फंक्शन की. पी कॉमा क्यू इक्वल टू आर कॉमा एक्स फ्रॉम फर्स्ट. बाय डेफिनेशन डिफाइन किया है ना फंक्शन. पी बाय क्यू रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? P, Q, ऑर्डर पेयर में. डोमेन क्या है? ऑर्डर पेयर में. ऐसा ही P by Q क्या आया? P, Q. और R upon S क्या आया? R, S. अब ये इक्वल ही ऑर्डर इक्वल कब रहती है? बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर कब इक्वल रहती है? उसके एलिमेंट जब इक्वल रहते हैं. तो क्या आएंगे? इफ पॉसिबल पी इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू यस. जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी ऑर्डर पेयर इक्वल आएंगे, तभी पॉसिबल होगा. देन एफ इज 1 1 फंक्शन. और हमने देखा है अगर फंक्शन 1 1 रहता है तो कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज क्या रहेगी? इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन. बताए मैंने. तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ क्यू प्लस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन क्रॉस एन. और ए बी रिमार्क बताए, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल बिकॉज एन क्रॉस एन इज
काउंटेबल, एन क्रॉस एन इज काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? देखो, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है? एल एफ नॉट। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है? एल एफ नॉट, और इसकी भी एल एफ नॉट। तो एल एफ नॉट क्रॉस एल एफ नॉट क्या हो गया? एल एफ नॉट। और एल एफ नॉट किसकी कार्डिनलिटी है? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटेबल सेट है, इसलिए एन क्रॉस एन भी क्या आ गया? काउंटेबल सेट आ गया। तो एन क्रॉस एन की कार्डिनलिटी क्या हो गई? एल एफ नॉट, तो काउंटेबल हो गया। और काउंटेबल का जो सबसेट है वो हमेशा काउंटेबल रहता है। तो सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी कि क्यू प्लस इज काउंटेबल। क्यू प्लस क्या आ गया? काउंटेबल आ गया। अब टेक क्यू प्लस को हम सिर्फ माइनस साइन देंगे, माइनस क्यू प्लस, तो सारे जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसको हम माइनस साइन लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, तो सारे रैशनल नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? क्यू माइनस नेगेटिव रैशनल नंबर, और क्या आएगा फिर? ये भी क्या होगा? क्यू माइनस इज काउंटेबल। ये भी क्या आ गया? ये भी काउंटेबल आ जाएगा। देखो, ये काउंटेबल है, इसको सिर्फ माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाने से माइनस रैशनल नंबर हो गए, नेगेटिव रैशनल नंबर हो गए, और वो भी क्या आएंगे? काउंटेबल ही आएंगे। ये हो गया। एंड सिंगलटन हमेशा काउंटेबल रहता है, ऑलवेज काउंटेबल, ऑलवेज काउंटेबल। और हमको एक रिजल्ट मालूम है, अभी देखा, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। अभी देखा ना हमने, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। तो क्या यूनियन क्या हो गया? प्लस माइनस, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, इनकी यूनियन क्या आएगी? काउंटेबल आएंगी। इज काउंटेबल, यूनियन काउंटेबल आ गई। तो पूरा क्यू है वो भी काउंटेबल आ गया, इज काउंटेबल, और हमारा प्रूफ हो गया। तो क्यू जो रैशनल नंबर है वो हमेशा काउंटेबल रहता है।